में आ गया होगा आपको। अब देखो ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो पोटेंशियोमीटर पे है, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 4 मीटर है और रेजिस्टेंस 8 ओम है। चलो एक पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं, ये प्राइमरी सर्किट है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8। चलो ये वायर है पोटेंशियोमीटर का, इस वायर का जो लेंथ है वो 4 मीटर है। चलो ये जो वायर है इसका लेंथ 4 मीटर है और इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस R है, दैट इज 8 ओम दिया हुआ है। क्लियर है? द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर, मतलब इस वायर के साथ सीरीज में, मतलब यहाँ पर मान लो कितना रेजिस्टेंस R कनेक्ट करूँ, और ये प्लस माइनस वोल्ट की बैटरी लगा है। रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन वायर विद सीरीज एक्यूमुलेटर EMF 2 वोल्ट, ये जो है वो 2 वोल्ट दिया हुआ है, और ये R, R में कितना कनेक्ट करूँ जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 mV/cm मिले। ठीक है, अब देखो इस R की कैलकुलेशन करनी है कि R में कितना कैलकुलेट करूँ बच्चों जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 mV मिले। पोटेंशियल ग्रेडियंट K होता है और वो होता है पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियोमीटर प्राइमरी सर्किट है A और B, इस प्राइमरी सर्किट का पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ L, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो दिया हुआ है 2 mV/cm, तो मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं SI यूनिट में, तो 2 मिली मतलब 10^-3 और वोल्ट वोल्ट में ही रहने दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये 10^-2 और फाइनली जो है पोटेंशियल AB की जो वैल्यू आ जाएगी इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा ये नीचे आ गया और ये 2 बाई ये फाइनली मुझे मिल गया 2/10 और लेंथ इसका दिया हुआ था 4 मीटर। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा 2 से काट दो 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ठीक है, दैट इज 4/5 ये आ जाएगा, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस द AB। तो पोटेंशियल अक्रॉस द AB 4/5 आ गया, और अगर ये 4/5 आ गया तो देखो इसको कैलकुलेट करो कितना ये आ जाता है, तो 2 मिली, ये 2 नहीं दिया था, मुझे लग रहा था कहीं कहीं गलती हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली मैं डेटा गलत ले लिया हूँ यहाँ से, ये जो है ये जो है 1 mV दिया है, तो ये 1 आ जाएगा, तो फाइनली ये सारे डेटा बदल जाएंगे, तो ये प्यारे बच्चों ये 1 mV है, तो ये 1 mV है, तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है वो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस द AB। अब अगर पोटेंशियल अक्रॉस द AB मिल गया और इसका रेजिस्टेंस 8 ओम पहले से दिया है, वोल्टेज भी दिया है, तो इसमें मैं करंट की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें वोल्टेज का इक्वेशन लगा दूँ, चलो तो फिर से इसको एक बार हम पोटेंशियल AB को मैं लिख सकता हूँ, पोटेंशियल AB को लिख सकता हूँ करंट I मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R। ये करंट, इसमें जो करंट I भी इज इक्वल टू IR, तो करंट I मल्टीप्लाइड बाई नेट इसमें AB मतलब ये वाली रेजिस्टेंस R। ठीक है, क्लियर है? तो करंट I, अब यहाँ से जो I की वैल्यू है बच्चों I, वो मैं निकाल सकता हूँ I इज इक्वल टू नेट EMF और नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, तो 8 r और मल्टीप्लाइड बाई इधर कैपिटल R, दैट इज A, और ये भी हम लोग पहले से ही कैलकुलेट करके आए हैं, दैट इज 2/5। तो ये फाइनली मुझे, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा R की वैल्यू कितनी आ जाएगी। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं R कितना आ रहा है, तो ये यहाँ से ये कट गया, ये 4 टाइम्स में कट गया और ये आ जाएगा 8 + R और डिवाइडेड बाई 1/5, तो ये आ जाएगा 40 और
40 प्लस 8 प्लस आर, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो बेसिकली आर 8 ही दिया था, दैट इज 40, दैट इज 32 ओम। तो एक बार इसका देख लेते हैं कि मैच किया, 32 सही है, ठीक है। तो फाइनली 32 आ गया इसका, दैट इज सी ऑप्शन सही है। कुछ नहीं है, फिर से एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 वोल्ट है, आर है और ये सारा रेजिस्टेंस दिया। फिर से एक बार वीडियो पॉज